गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स बेटे आज हम पढ़ेंगे मार्कोनी रूल्स मार्कोनी रूल किसके लिए होता है ये होता है एडिशन के लिए और एडिशन किस में एल्किस में ठीक है एडिशन किस में में एडिशन किसका करते हैं हम इसमें इसमें हम एडिशन करते हैं हेलो एसिड्स का हेलो एसिड्स में आपके क्या हो सकते हैं एच बी आर एच सी एल एच एफ एंड एच आई इनके लिए होता है ठीक है तो इसमें क्या करेंगे हम जैसे आपने कोई एल्किन ले लिया सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू ठीक है इसमें आपने एडिशन किस चीज़ का करना है एच एक्स का सिंपली हेलो एसिड ले लिया आप इसका एडिशन करवाइए तो इसमें क्या होगा कि ये जो आपका डबल बॉन्ड है ये सिंगल हो जाएगा ये डबल बॉन्ड सिंगल हो जाएगा और किसी भी एक कार्बन के पास ये H चला जाएगा और एक कार्बन के पास ये X चला जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा सी एच थ्री सी एच टू एक्स ठीक है ये क्या हो गया आपका ये बन गया हेलो एल्केन्स ठीक है अगर आप यहाँ पे एच बी ले आर ले लेते हो तो सीधी सी बात है कि इस हेलोजन की जगह इस एक्स की जगह क्या आ जाएगा आपका बी आर आ जाएगा ठीक है आई बात समझ में अब देखो जब हमारे सिमेट्रिकल एल्किन्स हैं तो कोई समस्या नहीं है सिमेट्रिकल एल्किन्स में आप इजीली ऐड करा सकते हो किसी भी एक डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ हाइड्रोजन चला जाएगा और दूसरे के साथ हेलोजन चला जाएगा लेकिन समस्या हमें कब आती है जब सिमेट्रिकल एल्किन्स की बजाय एल्किन्स हमारा अनसिमेट्रिकल हो जाता है अनसिमेट्रिकल का एग्ज़ाम्पल लेके देखते हैं सी एच थ्री सी एच डबल बोंड सी एच टू इसमें देखिए ये अनसिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल का मतलब होता है डबल बोंड के दोनों तरफ अनइक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम इस तरफ आपका एक कार्बन है और इस तरफ आपके दो कार्बन हैं इसका मतलब ये क्या है अनसिमेट्रिकल ये सिमेट्रिकल था क्योंकि डबल बोंड के दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम थे चलिए इसमें हम एडिशन कराते हैं एच बी आर का ठीक है तो सिंपली आपका क्या आ जाएगा अब क्या हम इसमें ऐसा कर सकते हैं कि एक के पास एच चला जाए एक के पास बी आर नहीं कर सकते अब इसमें हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारा एच किसके पास जाए और बी आर किसके पास जाए ठीक है तो इसके लिए मैं आपको एक बात बता दूँ कि सबसे पहले हमारा क्या होता है ये जो एच बी आर है ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है हमें ये पता होना चाहिए एच पॉजिटिव की फॉर्म में होता है और बी आर नेगेटिव की फॉर्म में यहाँ पे जब भी हम अनसमेट्रिकल एल्किन्स की बात करते हैं और उसमें एडिशन कराते हैं तो हमारा जो रूल काम करेगा वो होता है भाई मार्कोनी रूल कौन सा रूल आता है ये आता है मार्कोनी रूल मार्कोनी रूल हमें क्या बताता है कि नेगेटिव पार्ट यानी कि ये बी आर नेगेटिव नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन एटम ऑफ डबल बॉन्ड विच कंटेन लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन जिसके पास हाइड्रोजन कम है उसके साथ आपका बी आर जाएगा तो यहां पे आपका सीधा सीधा क्या बन जाएगा सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री और इसके साथ आ जाएगा आपका बी आर ठीक है क्या आ जाएगा बी आर तो ये है आपका मार्कोनी एडिशन ठीक है इसके बाद मार्कोनी एडिशन आपको पता चल गया सेम ऐसे ही हमारा एंटी मार्कोनी एडिशन होता है लेकिन एंटी मार्कोनी एडिशन के लिए आपको एक खास चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी एंटी मार्कोनी एडिशन में क्या होगा इसी को ही मैं चेंज कर देती हूँ एंटी मार्कोनी एडिशन एंटी मार्कोनी एडिशन सिर्फ और सिर्फ एच बी आर के केस में ही ऑब्जर्व किया जा सकता है सिर्फ एच बी आर के केस में ऑब्जर्व किया जा सकता है क्योंकि इन बाकी सभी में एक स्टेप आपका एक्सोथर्मिक होता है और एक स्टेप होता है एंडोथर्मिक वो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक स्टेप क्या होते हैं वो इन रिएक्शन के बाद हम मैकेनिज्म करेंगे उसमें क्लियर हो जाएगा ठीक है तो फिलहाल हम देखते हैं कि एच में एंटीमार्कोनी एडिशन कैसे होगा क्योंकि भाई इसमें जो दो स्टेप होते हैं ना वो दोनों के दोनों एक्सोथर्मिक होते हैं यानी कि दोनों में ही हीट आपकी बाहर निकलती है ठीक है तो उसमें क्या हो जाएगा मार्कोनी में आपका ये हुआ है एंटी मार्कोनी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही अगर हम करें अनसिमेट्रिकल एल्किन्स ले लें उसमें एच बी आर का एडिशन कराएं तो क्या होगा ये जब भी आप एंटी मार्कोनी की बात करते हो एंटी मार्कोनी होता है हमारा यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एंटी मार्कोनी तो भाई ये हमेशा हमारा परोक्साइड की प्रेजेंस में होगा किसकी प्रेजेंस में होगा परोक्साइड की प्रेजेंस में और ये मार्कोनी का अपोजिट है नाम से ही पता लग गारंटी मार्कोनी तो ये इसका उल्टा है ठीक है तो इसमें आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें आपका बी आर, उस डबल बॉन्ड के कार्बन के पास जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा हैं ठीक है तो आपके पास आ जाएगा सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू बी आर ठीक है तो ये दो प्रोडक्ट आपके सामने हैं एक मार्कोनी एडिशन से जो हमारे पास आया है और एक एंटी मार्कोनी एडिशन से हमारे पास आया है दोनों में डिफरेंस क्या है खास चीज क्या है देखिए वो कार्बन जिसके साथ आपका हेलोजन अटैच है अगर उसके दो तरफ कार्बन की चेन है तो उसको हम क्या कहते हैं सेकेंडरी वो कार्बन जिसके साथ आपका हेलोजन अटैच है अगर उसके एक तरफ कार्बन की चेन है तो उसको हम क्या कहते हैं प्राइमरी तो ख़ास बात यह है कि मार्कोनी एडिशन में आपको हमेशा चांसेस हैं कि सेकेंडरी मिलेंगे सेकेंडरी हेलो एल्केन्स और एंटी मार्कोनी एडिशन इसमें आपको क्या मिलेंगे प्राइमरी एंटी मार्कोनी एडिशन को हम पोक्साइड इफ़ेक्ट भी बोलते हैं और इसके लिए एक और नाम भी आता है जिसको देख के बच्चे ये कहते हैं कि सुना सुनाई नहीं कभी हार्श इफेक्ट हार्श इफेक्ट भी इसी को बोलते हैं जब भी आपका एडिशन परोक्साइड की प्रेजेंस में होगा तो मार्कोनी से आपका अपोजिट प्रोडक्ट बनेगा इसी को हम परोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं और इसी को बोलते हैं काश इफेक्ट ठीक है अब ये आपका मार्कोनी एडिशन का कर दू मार्कोनी एडिशन का रूल तो आपको समझ में आ गया अब बात आती है इसको अप्लाई करने की इसको अप्लाई कैसे करते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अगर हम करके देखें ठीक है तो मैं आपको एक दो जो है एग्जाम्पल करवा के दिखा देती हूँ आपको पता लग जाएगा ठीक है तो जैसे एक एग्जांपल हमने ले लिया ठीक है और इसमें अगर आपको सिंपली एच बी आर दे दिया जाए और ये कहा जाएगा राइट डाउन द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन ठीक है और इसी में अगर आपको इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड दे दिया जाए और राइट डाउन द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन तो आप कैसे करोगे भाई सबसे पहले तो यहाँ चेक करो कुछ भी नहीं दे रखा कुछ भी नहीं दे रखा तो इसका मतलब यहाँ पे होगा मार्कोनी एडिशन ठीक है तो मार्कोनी एडिशन में आपका क्या होता है कि आपका नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन हो डबल बोंड वाला कार्बन और उसके पास सबसे कम हाइड्रोजन हो यानी कि यहाँ पे बी आर आना चाहिए तो आप एक्सपेक्ट क्या करते हो कि क्या प्रोडक्ट बनेगा सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री इस सी एच के साथ बी आर और यहाँ पे सी एच थ्री मोस्टली स्टूडेंट इस टाइप का प्रोडक्ट बनाते हैं और मार्कोनी रूल में हमने पढ़ा भी यही है लेकिन बेटे यहाँ पे आपको एक चीज़ खास ध्यान रखनी होगी कि जब भी जब भी आपका वो कार्बन जो डबल बॉन्ड से अटैच है सबसे कम हाइड्रोजन है अगर उसमें रीअरेंजमेंट होने के बाद कोई स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सकता है तो वो आपका प्रोडक्ट होगा अब यहाँ पे देखिए क्या बन सकता है आपका अगर कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन की बात की जाए तो ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पे चला जाएगा स्टेबल कार्बोकेटाइन आपका ये बना ठीक है तो इस प्रोडक्ट की बजाय ये प्रोडक्ट आपका नहीं बनेगा आपका क्या बनेगा ये बनेगा भाई सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री बी आर यहाँ पे अटैच हो जाएगा ठीक है अब देखो यहाँ पे तो ये था आपका सेकेंडरी वो कार्बन जिसके साथ बी आर अटैच है उसके दो तरफ कार्बन की चेन और यहाँ पे वो कार्बन जिसके साथ बी आर अटैच है उसके तीन तरफ कार्बन की चेन तो ये आपका टर्शरी है और आपको पता है जब कार्बोकेट बनता है तो टर्शरी आपके सबसे ज़्यादा स्टेबल देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा आप इसका नाम भी दे सकते हो आसानी से वन टू थ्री फोर इस तरफ से इसको नंबर थ्री मिल रहा है अकॉर्डिंग टू नॉमन इसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए तो हम इधर से नंबरिंग करेंगे वन टू थ्री फोर टू मिथाइल टू ब्रोमो या टू ब्रोमो टू मिथाइल भाई ए बी सी डी में आपका बी पहले आता है तो आपका हो जाएगा टू ब्रोमो टू मिथाइल ब्यूटेन क्लियर चलो अब परोक्साइड का देखते हैं क्या बनता है मेजर प्रोडक्ट परोक्साइड का क्या बनेगा भाई जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है उसके साथ आपका नेगेटिव पार्ट चला जाएगा तो क्या बनाओगे सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू एंड देन बी आर तो ये देखो आपका ये प्राइमरी बना इसको आप क्या कहोगे वन टू थ्री फोर थ्री मिथाइल वन वन ब्रोमो थ्री मिथाइल ब्यूटेन ठीक है क्लियर चलो ओके